आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, रास का मतलब केवल नृत्य नहीं होता, 50% लोग केवल इसे नृत्य बताते हैं। भक्ति मार्ग में तो रास ही रास है। प्रत्येक भक्त का एक सुनहरा सपना होता है कि मेरी भक्ति कब शिखर पर पहुंचे, कब मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हो कि बिहारी जी के साथ एकांत में कब अनुभव में आए। ये रास है बंधु। रास का मैं आपको सीधा सा अर्थ बताऊं। जब आप भागवत कथा सुन रहे हो या बिहारी जी की कोई कहानी कथा डूबकर श्रवण कर रहे हो, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हो और आपको ऐसा लगने लगे कि बिहारी जी हमारे आसपास ही हैं, तो समझ जाना कि हम रास में ही हैं, क्योंकि बिहारी जी का एहसास ही रास है। निष्काम भाव से जब व्यक्ति पूर्ण समर्पित हो जाता है, तब व्यक्ति रास का अनुभव कर पाता है। ये रास प्रत्येक व्यक्ति का ध्येय बनना चाहिए। रास शब्द का मूल है रस, और ये रस कहीं बाहर से आने वाला नहीं है। ये रस स्वयं बांके बिहारी जी के नेत्र हैं। भक्त के जीवन में चाहे जितना अंधकार छा जाए, भक्त को कुछ ना दिखाई दे, लेकिन हमारे बांके बिहारी जी अपने भक्त के सभी दुख तकलीफ देख सकते हैं और उन्हें दूर भी कर सकते हैं और करते भी हैं। आप देखना, बिहारी जी मंदिर की पूरी लाइट बंद कर देना, बिहारी जी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे आपको, लेकिन बहुत सारा अंधेरा होने पर भी हमारे बांके बिहारी जी की आंखें देख सकते हैं आप। इसका मतलब जानते हैं क्या आप? इसका अर्थ है बिहारी जी का जो संपूर्ण तेज है, जो ऊर्जा है, वो बिहारी जी के नैनों में है। तभी गुरुदेव कहते हैं, जिधर तेरी नजर गई होगी उस पर न जाने क्या गुजर गई होगी, वो तो बेमौत मर गया होगा, ये कयामत जिधर गई होगी। आप जीवन जी रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप शिकायत तो हजार करोगे। खाना खाने गए तब तक रोटी ठंडी हो गई, आज कमरे का पंखा खराब हो गया, गर्मी बहुत है, पड़ोसी ठीक नहीं है, जॉब के लिए गए थे इंटरव्यू देने के लिए फेल हो गए, बाकी सब ठीक है। छोटी छोटी समस्याएं बहुत हैं जीवन में, लेकिन फिर भी आप जीना चाहते हैं। बार बार शिकायत करते रहोगे, पत्नी ऐसी है, पति ऐसा है, बेटा ऐसा है, सास ससुर ऐसे है, पति सुनता नहीं है मेरी, पति कहेगा व्यापार चलता नहीं है, बहुत सारी समस्याओं का वर्णन करेंगे आप। कोई अगर कहे आकर आपसे इतनी सारी समस्या है तो बंद कर दो ना जीना, और बहुत सरल भी है, मुंह नाक बंद कर दो एक दो मिनट के लिए। किसी प्रेमी ने प्रेमिका को छोड़ दिया है या प्रेमिका ने प्रेमी को छोड़ दिया है, अब लगता है जीवन जीने जैसा ही नहीं है, ये दुनिया बहुत बुरी है। जब ऐसा लगे तो 30 सेकंड के लिए ट्राई कीजिए ना नाक मुंह बंद करने की, तो 30 सेकंड में ही आपके भीतर से आवाज आने लगेगी, तेरा प्रेमी प्रेमिका जाए भाड़ में, अभी नाक से मुंह से हाथ हटा, मुझे सांस लेने दे। बंधु, हमारे भीतर एक ऐसा तत्व बैठा है जो हमसे कह रहा है, तेरा सब कुछ जाने के बाद भी तेरा जीवन जीने जैसा है, तू जी तो सही। बंधु, जीवन में रस है, ये रस ही हमारे बिहारी जी है। गोपी गीत क्या है? मन जब भी अपनी व्यथा अंतर वेदना और अनुभूति को भीतर संभालने में अक्षम हो जाए, धैर्य का बांध टूट पड़े, तब अपने आप जो प्रकट हो उसे गीत कहते हैं। गीत कई तरह से प्रकट हो सकते हैं, संसार में किसी ने कटु वचन बोल दिए हों, या फिर ज्ञान प्राप्त हो गया हो, या विरह की वेदना हो, या तो प्रेम का अनुभव हुआ हो, या प्रेम करने की अभिलाषा हो, या फिर विरह की संभावना हो, या कोई अन्य कारण भी हो सकता है, ऐसे में गीत प्रकट होता है। जब भी होता है एकांत में होता है, व्यक्ति बेशक भीड़ में हो लेकिन अंदर से वो अकेला ही हो जाता है, भूल जाता है भीड़ को, तब मधुर गीत प्रकट होता है। भगवान के विरह और प्रेम में गोपियों ने गाया है, तुम आते नहीं मन मोहन क्यों, इतना हमको ठुकराते हो क्यों, यह प्राण पखेरु लगे उड़ने, यह प्राण पखेरु लगे उड़ने, तुम हाय अभी सक चाहते हो क्यों, तुम हाय अभी सक चाहते हो क्यों।
हम पापी से पापी प्रचंड बड़े, हम ही कहते तुम गाते हो क्यों, नहीं दीनों पे आप दया करते, नहीं दीनों पे आप दया करते, फिर दीन दयाल कहते हो क्यों, फिर दीन दयाल कहते हो क्यों। तो बंधु इसे गोपियों का विरह गीत कहते हैं। बंधुओं एक गीत होता है फिल्म का, जो थोड़ी देर हमारा मनोरंजन तो करता है पर आत्मरंजन नहीं। अगर आत्मरंजन करना है तो राधा रानी बांके बिहारी जी के गीत सुनने ही पड़ेंगे। बंधुओं इस वर्ष शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर यानी आज है। शरद पूर्णिमा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा की किरणों से अमृत की बारिश होती है। कहा जाता है चंद्रमा ने इस दिन स्वयं 6 महीने की रात कर दी थी। रास देखने के लिए चंद्रमा ठहर गया था। भगवान को गोपियों के साथ महारास करते देखकर आनंदित हो गया था और खुश होकर ऊपर से अमृत की वर्षा करने लगा। बंधुओं इस दिन शाम को लड्डू गोपाल जी बांके बिहार जी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। मान्यता की सच्चे मन से पूजा आराधना करने वाले भक्तों पर माँ लक्ष्मी कृपा बरसाती हैं। आइए जानते हैं हमारे बांके बिहार जी मंदिर में कैसे मनाते हैं शरद पूर्णिमा महोत्सव। तो बंधुओं शरद पूर्णिमा पर ठाकुर श्री बांके बिहार जी महाराज वर्ष में एक ही दिन बंसी धारण करते हैं। इसमें भी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का एक भाव है। कहते हैं बिहार जी को प्रकट करने वाले हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बिहार जी के भाव में इतने ज़्यादा खो जाते थे। स्वामी जी अपने भाव मुद्रा में देख रहे हैं कि बिहारी जी 8 वर्ष 1 महीना 21 दिन के हैं। बिहारी जी के जो हाथ हैं वो बहुत कोमल हैं और कह रहे हैं बिहारी जी आप इस तरह बंसी हमेशा अधरों पर धारण करते हुए भक्तों को दर्शन दोगे तो आपके कोमल हाथों में दर्द होने लगेगा। बंधु एक बार एक भक्त अपने भाव में देखता है कि बिहार जी को स्वादिष्ट भोग लगा दिया और अपने बिहार जी को रिझाने के लिए भजन करने लगा। बिहार जी को रिझा रहा है, भक्त भाव में इतना खो गया कि सुबह से शाम हो गई। जब भक्त अपने भाव से बाहर आया तो उनको याद आया बिहार जी भोजन कर रहे हैं। देखे तो बिहार जी ने भोजन पा लिया कि नहीं। जब भक्त बिहार जी के पास आया तो क्या देखता है भोजन वैसे का वैसा ही रखा है। तो भक्त ने पूछा बिहारी जी से आपने भोग स्वीकार क्यों नहीं किया प्रभु। तो बिहारी जी कहते हैं कैसे भोजन पाता, मेरे अधरों पर तो मुरली है, इसलिए कभी भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना हो तो उनकी मुरली को सुरक्षित जगह पर रख देना चाहिए। भक्त का भाव होता है जब ठाकुर जी के हाथ खाली होंगे तो ठाकुर जी पक्का हमारे लगाए हुए भोग को पाते हैं। इसलिए भी और बिहारी जी के हाथों में दर्द ना हो इसलिए भी वर्ष में मात्र एक बार शरद पूर्णिमा के दिन बिहारी जी को बंसी धारण कराते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन ही मोर मुकुट कटकाचनी और बिहारी जी पोशाक भी श्वेत धारण करते हैं और आसन का जो कपड़ा होता है वो भी सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। पर्दे भी सफ़ेद रंग के, सुंदर हार तथा लगटी एवं गर्भगृह से बाहर निकलकर जगमोहन में विराजमान होकर चांदी के जगमगाते हुए सिंहासन पर विराजमान होकर हाथों में बंसी धारण करके सभी श्रद्धालुओं को मंद मंद मुस्कुराते हुए दर्शन देते हैं शरद पूर्णिमा पर। बिहारी जी का सिंगार सबसे स्पेशल होता है, इसकी वजह स्वयं बिहारी जी हैं, क्योंकि वैसे तो श्री कृष्ण को स्नान सुंदर सिंगार माँ यशोदा मैया कराती थी, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो श्रृंगार किया है वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथों से किया है। तो सोचिए सारी सृष्टि का श्रृंगार करने वाला स्वयं आपका किया होगा तो क्या छवि होगी प्यारे की। जगमोहन में दर्शन देने इसीलिए आते हैं जैसे बिहारी जी भक्तों के साथ रास करने आते हैं, भक्तों के साथ नजदीकियां बढ़ती हैं। दाएं बाएं खड़ी सखियां सुंदर सफेद पोशाक धारण करके सुंदर सफेदी पंखा करती हैं। शरद पूर्णिमा वाले दिन ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार होता है, सोने चांदी के आभूषणों से सुंदर श्रृंगार किया जाता है। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की सफेद पोशाक विशेष कारीगरों द्वारा बनाई जाती है जो चंद्रमा की खूबसूरती को भी कम करती है।
पूरे मंदिर परिसर में सफेद डेकोरेशन एवं फूल पत्ते पर्दे सब जगमगाते हुए मानो चंद्रमा आज धरती पर उतर आया है बिहारी जी की बलैया लेने के लिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने यमुना किनारे गोपियों के साथ रात्रि में वृंदावन में बंसी वट पर महारास किया था, उसी परंपरा को देखते हुए इसलिए शरद पूर्णिमा वाले दिन ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को सुंदर श्रृंगार मोर मुकुट कट काचनी व बंसी धारण कराई जाती है। इस दिन ठाकुर जी को विशेष रूप से खीर एवं चंद्रकला का भोग लगता है और सफेद बर्फी का भोग लगता है, लेकिन खीर मेवे से युक्त जरूर बनाएं और चांदी के पात्र में रखें, ना हो तो कोई बात नहीं, चंद्रमा की चांदनी में खीर को जरूर रख दें। दर्शन करने के पश्चात भोग लगाया जाता है। मैं आपको बताऊं, बिहारी जी मंदिर में खीर को बिहारी जी के आगे रखी जाती है, चंद्रमा के नीचे नहीं, क्योंकि जितना अमृत चंद्रमा एक साल में बरसाता है उतना अमृत तो हमारे बिहारी जी प्रतिक्षण बरसाते रहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को बंसी चढ़ाने का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की चांदनी में बैठकर रात भर जागते हुए भजन कीर्तन करना चाहिए। गुरु मंत्र का जाप विशेष बताया जाता है, जरूर करना चाहिए। व्यक्ति को शरद पूर्णिमा की रात को कम से कम कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की शीतल चांदनी में बैठना भी चाहिए। इस दिन बनने वाला वातावरण जो होता है वो दमा के रोगियों के लिए विशेषकर लाभकारी माना गया है। कहा जाता है शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की तरफ एक टक निहारने से या सुई में धागा पिरोने से नेत्र की ज्योति भी बढ़ती है। शरद पूर्णिमा की रात को 10 से 12 बजे का समय जब चंद्रमा रोशनी अपने चरम पर होती है, इसलिए इस दौरान चंद्रमा के दर्शन जरूर करना चाहिए। आज निकलने वाला चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और धरती के निकट होता है। और बताऊंगा आपको, महाराज का आनंद लेने के लिए भोलेनाथ भी आए थे, लेकिन पुरुष होने के कारण राधा रानी की प्रिय सखी ललिता देवी ने रास में प्रवेश नहीं दिया था। निधवन राज के बाहर खड़े रहे थे भोलेनाथ। काफी मिनटों के बाद ललिता देवी ने भोलेनाथ के कान में एक मंत्र दिया था, दीक्षा दी थी और भोलेनाथ का गोपी श्रृंगार किया था। उसके बाद महाराज में प्रवेश हुआ था शिव जी का। तभी से शिव जी को वृंदावन में भोलेनाथ को गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। वृंदावन में आज भी उनका स्थान गोपेश्वर महादेव के नाम से है। बंधु, गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी एक भाव है, ना पुरुष है ना स्त्री, भाव का नाम है गोपी। वो ललिता देवी कोई और नहीं बल्कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हैं, जो ललिता देवी के अवतार हैं। वीडियो काफी बड़ा हो गया है बंधुओं, बची हुई जानकारी मैं अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। बंधुओं, अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। श्री राधे। बोलो रास बिहारी भगवान की जय।